गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कोरिंग सिस्टम स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट पेपर ऑफ़ बिजनेस स्टडीज़ विच वॉज कंडक्टेड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो स्टूडेंट्स जैसे कि आज मैं आपके साथ सी यू टी का टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ देखिए पहला हमारा मैथ दी फॉलोइंग है तो टी बिल क्या होता है टी बिल आर बी इशू करता है कमर्शियल पेपर्स का मैचोरटी पीरियड फिफ्टीन डेज टू वन ईयर होता है कॉल मनी मेचोरटी पीरियड वन डे टू फिफ्टीन डेज होता है इन तीन से पता चल जाएगा आंसर क्या होगा तो टी फर्स्ट का फोर्थ सेकंड का थर्ड एंड थर्ड का सेकंड ये वाला आंसर होगा हो थर्ड पार्ट इसका आंसर होगा नेक्स्ट प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना ये इसकी एम होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू वन करोड़ तक केसेस देखता है स्टेट कमीशन एक करोड़ से दस करोड़ का देखता है ठीक है बच्चे तो इसका मतलब ए का थर्ड और बी का फर्स्ट ए का थर्ड बी का फर्स्ट ये आंसर होगा बच्चे इसका ठीक है अब इसमें एक और देख नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन एक्सीड टेन करोड़ ठीक है ये बड़ा आंसर इसका थर्ड पार्ट है प्लानिंग प्रवेसी फंक्शन है क्यों क्योंकि ये ऑल लेवल पे की जाती है सेकंड पार्ट इसका आंसर हुआ होगा ठीक है अब जॉब एनरिचमेंट क्या होती है जॉब एनरिचमेंट होगी कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड क्रिएटिव वराइटी ऑफ वर्क ठीक है, थीक है। ऑर्गेनाइजेशन uh, क्लाइमेट हो गया इंडिकेट दैट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल होती है ग्रेव वाइन फॉर्मर कम्युनिकेशन होती है इसका मतलब फर्स्ट का फोर्थ सेकेंड का फर्स्ट थर्ड का थर्ड ये वाला आंसर होगा फोर्थ पर आंसर होगा इसको कंट्रोलिंग प्रोसेस बतानी है कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा हमें पता होना चाहिए सबसे पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड फिक्स करना ठीक है फिर 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 एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना फिर कंपेयर करना ठीक है फिर एनालाइज डाइविशन करना है फिर क्रेक्टिव मेजर लेना है इसका मतलब सिक्स का फर्स्ट पार्ट आंसर हुआ होगा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या इंक्लूड नहीं होते ट्रांसफर और प्रमोशन इंक्लूड नहीं होता इसका मतलब सेवन्थ का सी और ई पार्ट हुआ होगा वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं प्रमोशन है हमें पता है फिर कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स इज कम्पेटिवली हायर इन अमेरिका दैन इंडिया विच फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड बाई दिस स्टेट जब कंपेरिजन की बात आती है बच्चे मैंने आपको बताया था तो रिलेटिविटी इसका फीचर हुआ होगा ठीक है नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ़ द बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कौन सी इसमें से स्पेसिफिक फोर्सेस हैं तो देखिए बच्चे जनरल फोर्सेस की बात करना स्पेसिफिक ही कर रहे हैं इन्वेस्टर्स कंज्यूमर्स कम्पिटिटर्स ए बी ई बी पार्ट आंसर हुआ होगा फिर कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट कमीशन जुडिशियर के अंडर क्या आता है कितनी वैल्यू आती है एक्सीर वन करोड़ बट नॉट एक्सीर टेन करोड़ बी पार्ट इसका आंसर हुआ होगा फिर पूरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताओ जिसमें मोर ऑटोनॉमी मिलती है एम्प्लॉयज़ को या सबॉर्डिनेट्स को या जा पावर ज़्यादा मिलती है तो हमें बताइए कि एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट इसका आंसर होगा कहते हैं इसमें से कौन सा ज़्यादा हायर रिस्क टेकर होता है या सबसे ज़्यादा रिस्क कौन ले रहा है या रिस्क टेकर कौन होता है एंटरप्रेनर होता है ठीक है फिर अगला पॉइंट देखिए बच्चे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बता रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग शुड बी हैव चेन ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेशन दैट रन फ्राम टॉप टू बॉटम तो इसका मतलब स्केलर चेन की बात कर रहे हैं तो थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा क्योंकि हमने आंसर वहाँ पर क्यूकली देने हैं तो आपको क्वेश्चन को रीड करते हुए ऑब्जेक्टिव का आंसर पता होना चाहिए क्योंकि आपको वन मिनट फॉर ईच क्वेश्चन करना है आपको फिर कहता है कन्वीनियंस गुड्स क्या होते हैं शॉपिंग गुड्स क्या होते हैं स्पेशलिटी uh, गुड्स क्या होते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं तो बच्चे से मुझे स्पेशलिटी गुड्स का पता होता है कि स्पेशलिटी गुड्स जो होते हैं सर ब्रांड uh, लॉयल्टी होती है ठीक है नॉन ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूम इन वन और फ्यू फ्यू यूसीज इसका मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट और फोर्थ का फर्स्ट पार्ट यहां पे होगा थर्ड का सेकंड फोर्थ का फर्स्ट ये और ये वाले ऑप्शन है इसका मतलब ये ऑप्शन बाहर हो गया ये ऑप्शन बाहर हो गया अब आते हैं कन्वीनियंस गुड क्या होते हैं कन्वीनियंस गुड वो होते हैं जो परचेज फ्रिक्वेंटली किए जाते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड फर्स्ट का थर्ड यहां पर आया तो फिफ्टींथ का फर्स्ट पार्ट आंसर हुआ होगा सिक्सटीन पे आते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर पूछ रहे है। स्टॉक uh, मार्केट में सबसे पहला होता है ब्रोकर साइन करना फिर डी अकाउंट ओपन करना इसका मतलब सी ए फिर ऑर्डर प्लेस करना सी ए बी सी ए बी वाला सी ए बी ये वाला स्टेप आंसर होगा इसका फिर कहता है स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ दी फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट बच्चा एच आर एम हमें पता है फिर कहते हैं कि आइडेंटिफाई फॉलोइंग अंडर हुज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल से फंक्शन तो बच्चे हमें पता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं सोशल इन्वायरमेंट के अंडर क्या आता है कंजन हैबिट्स एंड लाइफ एक्सपेक्सिस इसका ये आंसर हुआ होगा फिर कहता है विच एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिस रेफर एक्टिविटीज दैट मेक फम प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर्स तो टारगेट कंज्यूमर्स तक कौन सी एक्टिविटी पहुंचा रही है प्लेस ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चे रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है रेगुलेटरी होता है रेगुलेटरी फंक्शन में आ गया ये फी के बारे में अदर चार्जेस के बारे में डेवलपमेंट हो गया कि ट्रेनिंग देना इंटरमीडिएट्स को प्रोटेक्टिव फंक्शन में आ गया कंट्रोल करना इनसाइडर ट्रेडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, exchange, 1, 2, 3, हो गया रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज इसका मतलब वन टू थ्री फोर आंसर हुआ होगा ये वाला आंसर हुआ होगा हो इसका सेकेंड पार्ट फिर कहता है प्रोसेस विच प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट सेल्फ एम्प्लॉज ग्रोथ डेवलपमेंट सैलरी इज नॉट द प्राइमरी रिवॉर्ड ऑफ एन एंट्रप्रेनर देखिए फर्स्ट आया ए नैवर से डीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेनर इस टर्म में सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है एक्टिंग आउट ऑफ चाइस रैदर दैन दिन इनिशियेटिव ये भी ठीक है एंटरप्रेनर कंसर्न कंजरवेटिव टाइम मनी टर्म्स इन ठीक है एग्जीक्यूटिव समरी एंड ऑपरेशन स्ट्रेटीज आर इंक्लूडिंग बिजनेस प्लान रॉन्ग है वन टू थ्री ए बी सी आंसर हुआ होगा फोर्थ पार्ट आंसर हुआ होगा फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ लीडरशिप लीडरशिप की क्या फीचर्स होते हैं लीडर्स बिहेवियर को चेंज करता है इंटरनल फील्डिंग है और कंटिन्यूस प्रोसेस है तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स नहीं आएगा ये पॉइंट नहीं आएगा इसका मतलब ए बी डी वाला पॉइंट हुआ होगा ये वाला आंसर होगा थर्ड पार्ट आंसर होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगला मैच है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मार्केटिंग हो गया क्वालिटी प्रोडक्शन हो गया थर्ड और फोर्थ पार्ट यहाँ पे हुआ होगा ठीक है अब लेबर टर्न ओवर एच के अंडर आएगा और लिक्विडिटी फाइनेंस इसके अंडर आएगा ठीक है तो बी पार्ट इसका आंसर हुआ हो होगा नेक्स्ट कहता है फंक्शन और मैनेजमेंट को सिक्वेंस में लगाओ पहले प्लानिंग होता है बी इसका मतलब ये और ये आंसर नहीं हो सकता फिर ऑर्गेनाइजिंग सी फिर स्टाफिंग ए फिर डायरेक्टिंग ई e. ये वाला आंसर होगा ये कट गया तो बहुत ईजी तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो फिर कहते हैं आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस बतानी है सबसे पहले होता है सेंडर ए जो ए वाले होंगे वो होंगे बाकी काट लो ये वाला कट गया सेंडर के बाद हमारे पास आता है मैसेज सी मैसेज के बाद मीडिया डी ए सी डी वाला ये वाला आंसर हुआ होगा बच्चे आसान हो गया ठीक है तो कहते हैं विच क्वालिटी ऑफ लीडर्स रिक्वायर्ड दैट ही शुड अंडरस्टूड पीपल्स एंड मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशनशिप विद देम सोशल स्किल्स उसकी बात करती है यहाँ पे विच सोशल साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेट्स फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम क्योंकि इक्विटी को यही वायलेट uh, कर रहा है क्योंकि वहाँ पर कह रहा है कि एफेंट और इन वर्कर के अकॉर्डिंग सैलरी देनी चाहिए वेजिस देनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने की बात करता है ठीक तो है तो थर्ड पार्टी इसका आंसर हुआ होगा फिर कहता है आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन द स्टॉक मार्केट व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इजीली सोल्ड इवन एट हाई प्राइसेस बुल मार्केट बोलते हैं बुलिश बोलते हैं इसको नेक्स्ट बच्चे कह रहे हैं कि कंपनी है जिसने पुरानी मशीन को चेंज करके नई मशीन लेकर आ गए हुए हैं ठीक है क्योंकि उनका प्रीवियस मंथ का टारगेट पूरा नहीं हुआ था वहाँ पे स्लो प्रोडक्शन हुई थी लास्ट ईयर लास्ट मंथ में इसका मतलब कुछ क्रेक्टिव मेजर्स कर रहे हैं तो बोलता कौन सा स्टेप कंट्रोलिंग का यहाँ पे है तो क्रेक्टिव मेजर्स टेकिंग कुरेक्टिव मेजर्स प्लानिंग इंटेंशुअल प्रोसेस है विशफुल थिंकिंग नहीं है ये लॉजिकल थिंकिंग है इसका मतलब मेंटल एक्सरसाइज है ठीक है देखिए अभी नाइन मिनट्स हुए हैं तो आपने थर्टी थ्री क्वेश्चन कर लिए हैं तो इसका मतलब कि बड़े इजी इजी क्वेश्चन आएँगे बस हमने टेक्निक यूज करनी है और रीडिंग अच्छी तरह करनी है मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट पॉलिसी फोकसड ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट कंसेप्ट होगा ठीक है अब पहले फाइव स्टेप पूछ रहा है स्टाफिंग फंक्शन के स्टाफिंग का पहला काम होता है एस्टीमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट सेकेंड होता है रिक्रूटमेंट थर्ड होता है सिलेक्शन इसका मतलब ए बी ई वाला ये वाला आंसर हुआ होगा कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते वो मॉडिफाइड किए जा सकते हैं इसका मतलब ये कॉन्टीजेंट फंक्शन फीचर की बात कर रहे हैं नेचर कौन सा क्वान्टिजेंट नेचर है स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम क्या होता है स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम सेकेंडरी मार्केट होता है मैंने बताया था आपको बीच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेट यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड में एक बॉस करता है एक बॉस की बात करता है पर फंक्शनल स्ट्रक्चर में एट बॉक्स की बॉस की बात करता है ये वाला जो टेक्निक है वो इसको वॉयलेट कर रही है फिर कहता है आप मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक सीक्वेंस बता के बताओ सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं फिर होलसेलर होते हैं डी स... सी फिर रिटेलर होते हैं फिर कंज्यूमर होते हैं इसका मतलब बी पार्ट इसका आंसर होगा इसमें से कौन से कंज्यूमर राइट्स हैं पूछ रहे हैं राइट टू सेफ्टी राइट टू इन्फॉर्म राइट टू चूज भी होता है राइट टू हेड भी होता है राइट टू एश्योर नहीं होता इसका मतलब ए बी सी डी फर्स्ट पार्ट इसका आंसर होगा फोर्टी वन में देखिए कि रोहन हेड बॉय है एक स्कूल का स्कूल एक कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाने वाला है ट्वेल्व टू फोर्टीन ईयर्स के बच्चों के लिए मई में और उनका जो बोर्ड है उसने ड्यूटीज़ लगा दी हुई हैं सबकी और लीडरशिप बना दिया रोहन को रोहन ने ये वाली एक्टिविटीज़ शॉर्टलिस्ट की हैं फिर रोहन ने अपने काम को एग्जीक्यूट किया एज़ पर द एक्टिविटीज़ सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ अलग अलग की ठीक है उनको अलग डिपार्टमेंट में बनाया इसने तो डिफरेंट डिफरेंट परफेक्ट्स बनाए उसने यहाँ पे फिर उसने

तो आइडेंटिशन डिवीजन ऑफ वर्क फोर्टी का ये आंसर होगा फोर्टी थ्री भी आता हूँ फिर उसने ये बात बोली आइडेंटिफाई स्टेप दाईटेड इन दबव ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस तो क्या स्टेप आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे इसमें सब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा है वो हर एक डिपार्टमेंट बना रहा है अलग फिर अलग फिर पूछा गया हुआ है बी स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिस्कस इन अबव लाइन तो कौन सा स्टेप जो है डिस्कस किया गया हुआ है अबव में अब वही है मैंने बताया इसने काम को डिवाइड किया एक्टिविटीज को इसने सिमिलर एक्टिविटीज को डिफरेंट यूनिट्स में बना दिया हुआ है एलोकेटेड डिफरेंट प्रफेक्ट अंडर दी प्रोफेशनल बोर्ड देर फॉर ही डिवाइज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूरा इसने वो लिखा हुआ तो है तो बोलते हैं कि कौन सा स्टेप डिस्कस किया गया हुआ यहाँ पे तो देखिए बच्चे ये बार बार ड्यूटीज अजाइन करने की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के एजाइनिंग ड्यूटी की बात कर रहे हैं फिर अगेन यहाँ पे बोलते हैं विस् स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस डिंग दिया स्टेटमेंट तो बच्चे कौन सा स्टेप डिस्कस कर रहा है यहां पे अब स्टेटमेंट में देखिए क्या क्या बता रहा है फर्दर डिवाइडेड द एग्जीक्यूटिव पार्ट एक्टिविटीज लेटर ही ग्रुप दिमिलर एक्टिविटीज इन दू ही ने डिफरेंट परफेक्ट्स अंडर दी दिनलोर्स इसने डिफरेंट डिफरेंट परफेक्ट्स भी बनाए हुए हैं ही डिवाइज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू पॉजोर्ट द डाटा ऑफ वैक्सीनेशन फॉर दी फर्दर सबमिशन अब ये कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं सर ये बार बार या तो एजाइन ड्यूटीज की बात कर रहे हैं या ये एस्टेबलिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की बात करते है इसके दो आंसर हो सकते हैं यह भी हो सकते हैं यह भी हो सकता है मोस्ट प्रॉबली ये वाला आंसर होगा नेक्स्ट अगेन बोलता है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ठीक है दी एंटरप्राइस रिसोर्स एफिशेंटली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंडर फिर बोलता है एफिशंसी मीनस डूइंग द राइट टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कंपनी ने अपना टारगेट पूरा कर लिया हुआ है ठीक है डबल शिफ्ट में काम किया इन्होंने कि टाइम क्योंकि बहुत बार का यहाँ पे पावर फेलियर हो रहा था इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है इसका मतलब ये कंपनी जो थी एफिशिएंट थी पर इफेक्टिव नहीं थी क्योंकि उन्होंने टारगेट पूरा किया हुआ है टाइम नहीं देखा इन्होंने ठीक है अच्छे तो थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा फिर बोलते हैं कटिंग डाउन द कॉस्ट बट नॉट अचीविंग दी टारगेट प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट कम होगी मगर टारगेट प्रोडक्शन अचीव नहीं हुआ तो क्या हुआ बच्चे अगेन एफिशेंट है बट नॉट इफेक्टिव ठीक है फिर अगेन बोलता है डैश इम्प्लाईज सेटिंग गोल्स हमें पता ही है इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है गोल्स कौन एडवास में सेटअप करता है प्लानिंग करता है फिर बोलता है कि डैश इज़ ए मैनेजमेंट फंक्शन मोनिटरिंग मोनिटर कौन करता है सर देखने से बच यहाँ से बचल गया सर कंट्रोलिंग ठीक है फिर डेटरमाइंस वाट एक्टिविटीज़ रिसोर्स आर टू तो भी रिक्वायर्ड कौन सा स्टेप बताता है कि क्या रिसोर्स चाहिए क्या एक्टिविटीज़ हमने करनी है या क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड है या कौन कौन सी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है प्लानिंग है तो बच्चे ये देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया आई होप आपको समझाया होगा